नमस्कार। कन्या राशि पर विशेष और महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि आने वाली 25 तारीख को कन्या राशि पर ग्रहण होगा और उसके 15 दिन के अंतराल में फिर एक ग्रहण होगा। कन्या राशि को पीड़ादायक जो स्थिति है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बचाव क्या क्या लेना है आपको और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, खास तौर से उन महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ प्रिकॉशन इनको लेना बहुत आवश्यक है। ये बात अलग है कि भारत में ये ग्रहण दोनों दृश्यमान नहीं है, लेकिन जो विदेशों में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि भाई भारत में रह रहे हमारी चिंता ज्यादा करो, वो भी भारतीय हैं जो जिन जिन देशों में ग्रहण का प्रभाव होगा उनका वर्णन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं किन किन कंट्रियों में किन देशों में ग्रहण होगा। अब ये जो ग्रहण है 25 तारीख को आपकी निर्मल कांति को मलिन करने के लिए ये साइड इफेक्ट देगा। चंद्रमा और केतु जब एक जगह बैठते हैं तो कन्या राशि पर होंगे उस दिन, तो ये इनकी जो हंसी है हंसी वो गायब हो जाती है। गुप्त चिंताएं, अशांति, बीमारी, तनाव तथा बुखार, खांसी, कष्ट, इन्फेक्शन, मानसिक तनाव, चिंता, ये सब उस दिन ना हो, आपको कारण ही नहीं बनने देना चाहिए। जब हमने पहले से ही आपको आगाह किया है और बताया है कि कन्या राशि को ये कष्ट हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात यह है वैसी स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं देनी चाहिए। एक व्यक्ति से पूछा कि कोई बहुत बड़ा ज्ञान की बात बताओ, उसने कहा सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी युद्ध को जीत लेता है। उन्होंने कहा यह तो बहुत साधारण और सिंपल बात है। बोले नहीं, अभी वाक्य मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब लेकिन लगाया उसने और फिर दूसरी लाइन जो कही है वो आपके मतलब की है। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को होने ही नहीं देता। तो इसीलिए कन्या राशि वालों को ये जो 25 तारीख पर होने वाले जो ग्रहण है इससे उत्पन्न जो मनोदशा आपकी, अशांत मन होगा, आपको ऐसी स्थिति बनानी है कि कोई आपके मन को उदास ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन नहीं बनने देना। लेकिन आपकी राशि का स्वामी बुध है, 4 अप्रैल को वो वक्री भी होगा और अस्त भी होगा। ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने में आती है कि एक ही ग्रह है वो अस्त भी हो गया और वक्र गति से भी है, तो सूर्य की जो निकटता है वो ये बताती है कि वो ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में होने के बाद जिस राशि का स्वामी ये होता है वो राशि प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है, तनाव देती है। आज की तारीख में कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला, डिटैच करने वाला, डिटैचमेंट पैदा करता है कौन? राहु और केतु की जो ट्रांसिट प्लेनेटरी पोजिशन बनी हुई है, ये आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में बाल्यावस्था से ही जन्म के समय राहु और केतु कन्या या मीन पर होंगे तो वो सिचुएशन आज की डेट में जो बन गई है तो ये कष्टकारक होगी। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है उसके साथ कुछ मन मुटाव, मतभेद ना हो। अभी क्या है स्थिति, 8 अप्रैल को आपके सप्तम भाव पर कन्या राशियों या कन्या लग्न हो, सप्तम भाव पर शुक्र राहु, चंद्रमा और सूर्य, ये 4 ग्रहों की युति
बनने जा रही है, लेकिन अष्टम भाव जो है उसका जो स्वामी है, उसका स्वामी कहां है? आपके छठे भाव में। और अष्टम भाव में जो बुध है वो वक्री और अस्त भी है, और अष्टम भाव में ही बृहस्पति भी है जो सप्तमेश है, और बुध आपकी राशि का स्वामी है। ये दोनों ही ग्रह परस्पर बैठने के बाद इन पर शनि की दृष्टि होगी, और बीच में क्या आ रहा है? राहु। शनि की दृष्टि कुंभ से मीन को स्पर्श करते हुए मेष पर जाएगी, जो कि नीच स्थान है शनि का। तो कुल मिलाकर के उस दौरान आपको ध्यान क्या रखना है, 31 मार्च को खास तौर से आपका जो चंद्रमा होगा वो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, और 1 मार्च को भी खास तौर से। कारण क्या है? उस समय आपकी आपका जो धनु राशि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में आएगा, चौथा चंद्रमा आपको एक ही जगह पर कई जगह चक्कर काटने, घर में अशांति तनाव व्यर्थ की भागदौड़ घरेलू अशांति ना हो, इसके लिए विशेष उपाय क्या है? उस दिन भगवान शिव को दूध घी शहद बेलपत्र ये सब लेकर के 1 अप्रैल को आपको उस दिन मूला नक्षत्र होगा, सप्तमी होगी, सोमवार का दिन होगा, भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको आने वाली जो परेशानी या कष्ट है उसमें न्यूनता आएगी, कमी आएगी, आपको कोई खास कष्ट होने वाला नहीं है। उपाय इसीलिए बताए जाते हैं कि आपका मन और दिमाग उधर डाइवर्ट हो, ताकि आप संसार के कष्टों से बचे रहें। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि आप ईश्वर के समक्ष दूध दही घी शहद बेलपत्र लेकर के बैठ जाओ, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है वहां बैठ करके कि भगवान मेरे कष्ट दूर करो, भगवान मेरी ये पर समस्या को दूर करो। डिमांड लेकर मत पहुंचो, पर्ची लेकर के मत पहुंचो। बड़े बड़े भक्त इस संसार में हुए हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके क्या बोलना है कि प्रभु मेरी समस्या भी आप जानते हैं क्या हो सकती है या क्या होगी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, और वो पूरा कैसे करना है, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, उन समस्याओं का निराकरण आप ही करेंगे। तो एक गीत आपने सुना होगा, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। जो ईश्वर की इच्छा के बिना, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब आप उनके समक्ष ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी सुनवाई अवश्य होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनही परम प्रिय खिन्न। जो इस प्रकार की कष्ट में आर्त मतलब पुकारता है तो भगवान उसे सुनते हैं। अब इन कन्या राशि वालों के लिए खास तौर से जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनकी अभी राहु बृहस्पति शनि और बुध की महादशा चल रही है, और जो हस्त नक्षत्र वाले हैं उनकी इस समय जो युवा वर्ग के लोग हैं उनकी राहु बृहस्पति शनि और बुध की महादशा चल रही है कंटिन्यूअसली। एज के हिसाब से सीक्वेंस यही रहेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे शब्दकार जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है, या अपनी महादशाओं का और कुंडली का और जो ग्रहों के बदलाव होते हैं क्या इफेक्ट होते हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम उनके सामने इतने ज्ञानी नहीं है, ना हमारे पास इतनी नॉलेज है,
जैसे जैसे लोग बड़े बड़े ज्योतिषी विश्व के वो हमारे वीडियो देखते हैं और हमें गर्व होता है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि जितने भी दर्शक हैं हमारे और सब्सक्राइबर हैं ये बड़े नॉलेज वाले हैं, इनको सब पता है, सब खोद करके निकाल लेते हैं गूगल से, इधर से उधर से। हम प्राचीन काल के लोग हैं, हम पंचांग की सहायता लेते हैं, हमें ये सॉफ्टवेयर की कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अब जो चित्रा नक्षत्र वाले हैं उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो यंग एज की जनरेशन है, और फिर धीरे धीरे उनकी शनि बुध और केतु और शुक्र की दशा शुरू होगी। सारे राजयोग सारे सुख आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, खासतौर से चित्रा नक्षत्र वाले। चतुर्थ चंद्रमा और राशि पर चंद्रमा होना कष्टदायक माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन दोबारा फिर 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल को सावधानी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।